एमपी में लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार का दौर तेज हो गया है। प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा और रैलियां का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दिग्गज राजनेता जनता से अपने पक्ष में वोट की अपील करने पहुंच रहे हैं। देवास लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सोलंकी के समर्थन में आष्टा में रोड शो और कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। जनता को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि आज देश को लूटने वाले कई लोग जेल के अंदर हैं और कुछ लोग जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिसने देश की जनता का पैसा लूटा है उन्हें पाई पाई वापस करनी होगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।